मलेशिया में वर्ल्ड पेंचक सिलात चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन करने वाली आरती कुमारी मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली हैं। वो एसएसबी सशस्त्र सीमा बल में कांस्टेबल पद पर कार्यरत हैं। एसएसबी की टीम ने आरती और मधु कुमारी को बधाई देते हुए दोनों की पीठ थपथपाई है और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। नमस्कार, नेटवर्क 10 मनोज प्रजापति के साथ इटोर्नी में मौजूद है आरती कुमारी जी, ब्राउन मेडल जीत के लाई है मलेशिया से। बात करते हैं उनसे। आरती जी, आपका स्वागत है नेटवर्क 10 में। कैसे अचीव किया आपने? पहले तो मैं जो मेरे सीनियर है अभी और उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि ये एक नई गेम है मेरे लिए। पर उन्होंने मेरे को बहुत गाइड किया, अच्छे से सिखाया, सारी टेक्निक्स सिखाया। फिर दूसरे नंबर पर मैं अपने डिपार्टमेंट का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम तक ऐसा था कि बिल्कुल मना होने वाला था, पर हमारे जो कमांडेंट है सुनील कुमार सर, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। अगर वो नहीं होते, उनकी मदद नहीं होती मेरे पास, तो मैं आज शायद इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल नहीं लेके आता। दूसरा थैंक्स मैं सुनील कुमार सर को करना चाहूँगी। और एसएसबी वालों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया हमें, मतलब बिग प्लेयर को जो चाहिए होता है बैट, सारी सुविधाएं, डाइट, मनी, सब कुछ हमें टाइम टाइम पर प्रोवाइड करते हैं और ऐसे एनकरेज करते हैं ताकि हम और अच्छा परफॉर्म कर सकें आने वाले कॉम्पिटिशन। सहयोगी लव बख्शी के साथ मनोज प्रजापति नेटवर्क 10 के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 मनोज प्रजापति के साथ। टीम पहुंची है इटोर्नी, जहां पर हमारे साथ कमांडेंट साहब मौजूद है सुनील जी। सर, आरती कुमारी जी ब्राउन मेडल लेके आए हैं, क्या कहेंगे सर? एज कमांडेंट, मुझे आरती कुमारी और मधु कुमारी जो हमारे दो खिलाड़ी हैं उन पर बहुत गर्व है। इन्होंने देश का और हमारा जो विभाग है, ऑर्गेनाइजेशन है एसएसबी, उनका नाम रोशन किया है। डीजी साहब को और बाकी वरिष्ठ अधिकारियों को भी इन पर गर्व है। जैसा कि देश का नाम रोशन आरती जी ने किया है, आगे भी इसी तरह रोशन होता रहे देश का नाम। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति।